हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे करें। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नाउन और जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे करें। यदि फ्रेंड्स आपने उन सभी वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप आसानी से उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके कैसे एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करें। तो फ्रेंड्स, बगैर समय वेस्ट किए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीखने वाले हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग सीख चुके हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नाउन और जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने उन सभी वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक है, आप आसानी से उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार से हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यह एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, जिसे फ्रेंड्स हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट, जो कि मोडिफाइज, विशेषता बतलाता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन। तो कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स, एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है दैट मोडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, अर्थात नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर। तो फ्रेंड्स, हम टोटली कह सकते हैं एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। इसे अच्छी तरह फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल की सहायता से शो करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, रवि स्पीक्स स्लोली, रवि धीमे से बोलता है या धीरे से बोलता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्लोली है, यह हमारा एडवर्ब है और यह फ्रेंड्स विशेषता किसकी बतला रहा है, वर्ब की। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्लोली हमारा एडवर्ब है या स्पीक यानी वर्ब की विशेषता बतला रहा है। जबकि फ्रेंड्स अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है या एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जबकि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब स्लोली है वह स्पीक वर्ब की विशेषता बतला रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको और शो करता हूँ फ्रेंड्स, जैसे सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, सीमा काफ़ी सुंदर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वाक्य में जो हमारा ब्यूटीफुल है या एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है वेरी,
जो कि हमारा है एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं सुंदर है, सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीमा काफ़ी सुंदर है, सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे रहा है वेरी, यानी काफ़ी, सीमा सुंदर है, अगर वेरी कहें तो काफ़ी सुंदर है, यानी सुंदरता को बढ़ा दे रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। तो विशेषता बतलाने वाला जो शब्द वेरी है वह हमारा एडवर्ब है। तो इस वाक्य में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की विशेषता हमारा जो वेरी एडवर्ब है वह बतला रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्या होता है। अब बात करते हैं कि यह हमारा एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। एडवर्बियल फ्रेज तो फ्रेंड्स, जो हमारा एडवर्बियल फ्रेज होता है यह एक प्रकार का एडवर्ब ही होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है फ्रेंड्स कि एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है और एडवर्बियल फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है। फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज, जो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है यह आपका होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का एक समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स लाइक एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं जो आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है वह एक शब्दों का समूह होता है जो कि एडवर्ब की भांति कार्य करता है। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल के साथ से स्पष्ट करता हूं। जैसे रवि वेंट टू मार्केट इन अ हरी, रवि बाजार जल्दी से गया, रवि जल्दी से बाजार गया इन अ हरी। तो फ्रेंड्स, जो आपका यह इन अ हरी है यह आपका एडवर्बियल फ्रेज है, यह आपका एडवर्बियल फ्रेज है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का एक समूह है, इन अ हरी यह शब्दों का एक समूह है और यह विशेषता बतला रहा है किसकी, वर्ब की, जो हम आपका वेंट है यानी जल्दी से गया, वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो फ्रेंड्स, टोटली अगर हम लोग कहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडवर्ब होता है और एडवर्बियल फ्रेज होता है दोनों का अर्थ एक समान होता है, केवल इनकी बनावट में अंतर होता है। एडवर्ब क्या अंतर होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है जबकि एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। इसे फ्रेंड्स हम लोग चाहें तो जो हमारा यह एडवर्बियल फ्रेज है इसे हम एडवर्ब का रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में केवल उनकी बनावट का अंतर होता है। एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है और एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। तो चलिए देख सकते हैं, जो आपका एडवर्बियल फ्रेज है शब्दों का एक समूह है, इसे आप चाहें तो एडवर्ब का रूप दे सकते हैं और इस वाक्य को लिख सकते हैं रवि वेंट टू मार्केट, रवि बाजार गया हैरीडली। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो आपका इन हैरी था अब यह चेंज हो गया हैरीडली में, जो कि आपका एडवर्ब है। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि जो आपका एडवर्ब होता है वह एक सिंगल वर्ड होता है। देखिए, आप देख सकते हैं हैरीडली एक सिंगल वर्ड होता है जबकि आपका जो एडवर्बियल फ्रेज है इन हैरी या शब्दों का एक समूह है, लेकिन फ्रेंड्स दोनों का अंतर एक ही समान है, यानी रवि वेंट टू मार्केट इन हैरी, रवि जल्दी से बाजार गया, रवि वेंट टू मार्केट हैरीडली, रवि जल्दी से बाजार गया। तो फ्रेंड्स, हम टोटली अगर निष्कर्ष निकालें तो यही कह सकते हैं कि एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज दोनों का अर्थ एक समान होता है, केवल इनके कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट में अंतर होता है। वह अंतर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होता है जबकि एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। इसे फ्रेंड्स अच्छी तरह से एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को और अच्छी तरह समझने के लिए चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो चलिए मैं एक तरफ आपको कुछ एडवर्ब लिखकर शो करता हूं जो कि एक सिंगल वर्ड होगा, और एक साइड मैं आपको एडवर्बियल फ्रेज लिखकर शो करता हूं जो कि शब्दों का एक समूह होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं केयरफुली, सावधानी पूर्वक। तो फ्रेंड्स इसका जो एडवर्बियल फ्रेज होगा शब्दों का जो समूह होगा विद अ केयर,
विद केयर, यानी सावधानी से। इसी तरह फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं हैरीडली, हैरीडली, जल्दी से। और इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जो एडवर्बियल फ्रेज इन अ हैरी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो आपका एडवर्बियल फ्रेज है वह शब्दों का एक समूह है, जबकि जो आपका एडवर्ब है वह एक सिंगल वर्ड है। इसी तरह फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं केयरलेसली, केयरलेसली यानी लापरवाही से। तो आप लिख सकते हैं विदाउट केयर, यानी बगैर सावधानी से अर्थात लापरवाही से। तो देख सकते हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दोनों का अर्थ एक समान आ रहा है, केवल अंतर इतना है कि एडवर्ब एक सिंगल वर्ड है जबकि एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का एक समूह है। तो आप कह सकते हैं ये जो आपका एडवर्ब है यह आपका एक सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड है, और जबकि आपका यह जो एडवर्बियल फ्रेज है यह आपका अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेंड्स यह शब्दों का एक समूह होता है एडवर्बियल फ्रेज, और एडवर्ब आपका एक सिंगल वर्ड होता है लेकिन दोनों की मीनिंग सिमिलर होती है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि क्या होता है एडवर्ब, क्या होता है एडवर्बियल फ्रेज। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करें। तो फ्रेंड्स इसके लिए एक चीज़ की आपको और आवश्यकता पड़ेगी, चलिए मैं आपको वह भी स्पष्ट कर देता हूँ। आपको जो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, जो आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको प्रायः किसी एक वाक्य में यानी एक सिंपल सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जाएगा। यानी जो आपको सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपको उन सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सिंपल सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को नहीं मिलता है तो किसी एक वाक्य में आपको एडजेक्टिव मिलेगा। अगर आपका जो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं उसमें किसी एक वाक्य में अगर आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को नहीं मिल रहा है तो किसी एक वाक्य में आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स एडजेक्टिव अगर आपको मिल जाए तो आप आसानी से एडवर्ब का निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे निर्माण कर सकते हैं चलिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको दिए गए सिंपल सेंटेंस में किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव मिल जाए तो आप आसानी से एडवर्ब का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए एक साइड हम लिखते हैं एडजेक्टिव और एक साइड लिखते हैं यहाँ पर एडवर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको एडजेक्टिव मिलता है तो कैसे आप एडवर्ब बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मान लेते हैं आपको किसी एक वाक्य में देखने को मिल जा रहा है ब्यूटीफुल, तो फ्रेंड्स आप आसानी से अगर इस वाक्य में एलवाई जोड़ देते यानी इस एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं तो आपका एडवर्ब बन जाता है ब्यूटीफुली। तो टोटली हम कह सकते हैं फ्रेंड्स एडजेक्टिव में प्रायः, किसी भी एडजेक्टिव में प्रायः अर्थात एडजेक्टिव में, जैसे ही आप किसी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो यह आपका बन जाता है एडवर्ब। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम आसानी से एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं। तो प्रायः आपको जो सिंपल सेंटेंस दिए जाते हैं किसी एक सेंटेंस में आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को मिल जाता है, यदि आपको एडवर्बियल फ्रेज देखने को नहीं मिलता है तो आपको किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव मिलेगा और उस एडजेक्टिव को आप आसानी से एलवाई लगाकर एडवर्ब बना सकते हैं। और जैसे ही आप एडवर्ब बना लेंगे आप आसानी से उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं एडवर्ब की सहायता से। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम लिखते हैं एक एडवर्ब ब्रेव, बहादुर, और इसे फ्रेंड्स अगर एडवर्ब बनाना है तो हम इसमें एल वाई लगाएंगे तो हो जाएगा ब्रेवली अर्थात बहादुरी से। तो जैसे ही आपको कोई एडवर्ब आपको एडजेक्टिव मिलता है उसमें एल वाई जोड़ देंगे तो आपका एडवर्ब बन जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको पता चले कि हमको दिए गए वाक्य में एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान से आप सुने, दिए गए सिंपल सेंटेंस में यदि दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में से ध्यान से फ्रेंड्स आप माइंड करें तभी आप समझ सकते हैं, यदि दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हो जो कि दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बतलाए। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करता हूँ, यदि दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हो जो कि दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बतलाए,
तो फ्रेंड्स विशेषता बतलाने वाले वाक्य को ही हमें बनाना होता है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, यानी जो वाक्य विशेषता बतलाए उसी के एडजेक्टिव को या फिर उस वाक्य को हमें एडवर्बियल फ्रेज का रूप देना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एडवर्ब की सहायता से एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो फ्रेंड्स एक बार मैं जो चीज़ें आपको बताया फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि कैसे आपको पता चले कि दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस में हम कब एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स ध्यान से आप माइंड करें, यदि दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हो या कोई एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस की विशेषता बतलाए तो विशेषता बतलाने वाले सेंटेंस को हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर देना होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं कुछ सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। तो यहाँ पर मैं एक वाक्य लिखता हूँ, आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई को स्नेह करता हूँ। दूसरा सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स, माई लव इज डीप, मेरा प्रेम गहरा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई को स्नेह करता हूँ, माई लव इज डीप, मेरा प्रेम गहरा है। तो फ्रेंड्स जो गहरा है उसी प्रेम की विशेषता बतला रहा है, यानी जो इस वाक्य हमारा एडजेक्टिव डीप है इस पहले वाले सिंपल सेंटेंस लव यानी प्रेम की विशेषता बतला रहा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक वाक्य में जो हमारा प्रयोग एडजेक्टिव है दूसरे वाक्य के वर्ब अर्थात लव की विशेषता बतला रहा है, तो हम एडवर्ब का प्रयोग करके आसानी से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो आपको इस वाक्य में एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है आपको आसानी से इसमें एल वाई जोड़कर इसे एडवर्ब बना देना है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। तो आप लिख सकते हैं आई लव माई ब्रदर डीपली। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डीप में एल वाई जोड़ा यह हमारा एडवर्ब बन गया। तो इस तरह से हमारा सिंपल सेंटेंस निर्मित हो गया, आई लव माई ब्रदर डीपली, यानी मैं गहरे रूप से अपने भाई को स्नेह करता हूँ। इसी प्रकार फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं, आई आंसर्ड हिज क्वेश्चन, मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। आई आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। माई आंसर्स वर करेक्ट, जो मेरे उत्तर थे वह सही थे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा, आई आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, माई आंसर्स वॉज करेक्ट, मेरे उत्तर सही थे। तो फ्रेंड्स जो यह करेक्ट है या एडजेक्टिव है विशेषता बतला रहा है किसकी, आंसर की, यानी जो मैंने उत्तर दिया तो पहले वाक्य का जो वर्ब है आंसर्ड उसी की विशेषता बतला रहा है करेक्ट। तो विशेषता बतलाने वाले इस करेक्ट वर्ड को यानी जो हमारा एडजेक्टिव है इसे हम एडवर्ब में चेंज कर आसानी से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंपल सेंटेंस में, आई आंसर्ड हिज क्वेश्चन, मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो यह एडजेक्टिव है इसको आपको चेंज कर देना है, यानी कि इसको आपको बदल देना है एडवर्ब में एलवाई जोड़कर, यानी आई आंसर्ड हिज क्वेश्चन करेक्टली। तो यह आपका फ्रेंड्स हो गया एडवर्ब। आसानी से आप देख सकते हैं कि आप एडवर्ब का यूज़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस निर्मित कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स और भी एग्जांपल्स मैं आपको शो करता हूँ अच्छी तरह समझने के लिए। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल है, रवि बाजार गया। और दूसरा सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स, ही वॉज इन अ हैरी, वह जल्दी में था। तो
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दो सिंपल सेंटेंस है, पहला रवि वेंट टू मार्केट, रवि बाजार गया, और दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही वॉज इन हैरी, वह जल्दी में था। तो आप देख सकते हैं इन हैरी, वह जल्दी में था, तो जल्दी में या जल्दी से, रवि वेंट टू मार्केट, रवि बाजार गया, ही वॉज इन हैरी, वह जल्दी में था। तो यहाँ पर जो आपका जल्दी से है या जल्दी में है, या इसी वर्ब यानी कि वेंट की विशेषता बतला रहा है, यानी जाने का जो कार्य वह जल्दी में है। तो जल्दी में या जल्दी से इस जाने की विशेषता बतला रहा, यानी एक वाक्य में जो यह आपका प्रयोग एडवर्बियल फ्रेज है दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो आप आसानी से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग है, तो आप इसी की सहायता से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं रवि वेंट टू मार्केट, रवि बाजार गया, इन अ हरी, जल्दी में या जल्दी से। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो इन अ हरी जो आपका एडवर्बियल फ्रेज है, इसे आप एडवर्ब का रूप भी दे सकते हैं। आप इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, रवि वेंट टू मार्केट हैरीडली। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इस एडवर्बियल फ्रेज को, इन अ हैरी जो आपका एडवर्बियल फ्रेज है, इसे आप एडवर्ब का रूप हैरीडली में भी चेंज करके आसानी से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है ग्रेट पीपल, ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, यानी महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस है, दूसरा सिंपल सेंटेंस है दियर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ की होती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस दियर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ की होती है। तो यह जो हमारा सेल्फलेस है एडजेक्टिव जो है, यह सर्व की विशेषता बतला रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बतला रहा है कि नी सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, निस्वार्थ क्या करते हैं सर्व सेवा करते हैं। तो वर्ब की विशेषता बतला रहा है, तो नहीं एक वाक्य में जो आपका प्रयोग एडजेक्टिव है दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए फ्रेंड्स आप आसानी से इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करके आसानी से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं एडवर्ब की सहायता से। तो चलिए हम इस जो हमारा सेल्फलेस है इसमें जैसे ही एलवाई जोड़ेंगे सेल्फलेसली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और आसानी से हम एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिंपल सेंटेंस में निर्मित करते हैं। तो हो जाएगा ग्रेट पीपल, ग्रेट पीपल सर्व, सर्व ग्रेट पीपल सर्व फ्रेंड्स यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, सर्व की स्पेलिंग एस ई आर वी ई, तो ग्रेट पीपल सर्व, सर्व डियर कंट्री, डियर कंट्री, और इस जो हमारा यह एडजेक्टिव है इसे हमें एडवर्ब का रूप दे देना है। तो यह हो जाएगा सेल्फलेसली, जैसे ही एलवाई जोड़े हमारा यह एडवर्ब हो गया, यानी कि ग्रेट पीपल सर्व डियर कंट्री सेल्फलेसली। तो यह आसानी से हमारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया एडवर्ब की सहायता से। चलिए फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगला सेंटेंस मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। तो अगला जो सिंपल सेंटेंस का सेट है वह है द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी प्रवाहित हो रही थी। दूसरा सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका प्रवाह धीमा था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी प्रवाहित हो रही थी, इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका प्रवाह धीमा था। तो यह हमारा जो स्लो है एडजेक्टिव है, इस फ्लो अर्थात वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो हम आसानी से जो हमारा एडजेक्टिव है
उसे एडवर्ब का रूप देकर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग द रिवर यानी नदी, द रिवर वाज फ्लोइंग यानी नदी बह रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो एडजेक्टिव है इसे बना देते हैं एडवर्ब एलवाई जोड़कर, तो द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली यानी नदी धीमे रूप से या धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। तो फ्रेंड्स यह हमारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया एडवर्ब की सहायता से। चलिए एक और सिंपल सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, यानी एक और सिंपल सेंटेंसेस का सेट देखते हैं और उसे एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देते हैं एडवर्ब की सहायता से। तो अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स, द लीडर स्पोक, नेता बोला, ही स्पोक फॉर अ मिनट, ही स्पोक फॉर अ मिनट, वह एक मिनट के लिए बोला। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है द लीडर स्पोक, नेता बोला, ही स्पोक फॉर अ मिनट, वह एक मिनट के लिए बोला। तो फ्रेंड्स हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे वाक्य में फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। तो इस एडवर्बियल फ्रेज का ही प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग द लीडर यानी नेता स्पोक मतलब बोला फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यह हमारा आसानी से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस प्रकार से हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स जाते जाते ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको अपना आंसर कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो फ्रेंड्स वह क्वेश्चन आपके लिए है, आपको फ्रेंड्स इसका आंसर सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन जो आपके लिए है आपको बताना है कि किस प्रकार से हम जो यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, चलिए मैं इसे लिख ही लेता हूँ पहले। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। He was punctual. तो फ्रेंड्स यह एक सिंपल सेंटेंस का सेट है। पहला सिंपल सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही वॉज पंक्चुअल। दूसरा है ही वॉज पंक्चुअल, वह नियमित था। तो फ्रेंड्स यह दो सिंपल सेंटेंस है और आपको इन्हें एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।